आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये शुरुआत में वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है इसराइल फिलिस्तीन के बीच का, जहां आतंकी इसराइली सैनिक ने सेहरी के वक्त में फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर दिया है, जहां मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके अपना आतंक मचाया है। और ये वीडियो शायद हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के पास शायद नहीं पहुंच सका है, जो कल तक ये राग अलाप रहे थे कि देखिए कैसे फिलिस्तीन के आतंकियों ने इसराइल पर कहर ढाया है। आज कहा है वो लोग जो इसराइल की इस घटना पर खामोश बैठे हुए हैं, जहां इसराइल की आतंकी सैनिकों ने सेहरी के वक्त में रोजदारों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर सामने आना शुरू हो गई है। सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो मस्जिद अल अक्सा के अंदर का है, जहां इसराइल की आतंकी सैनिक जो है जूते पहन करके अंदर घुसी है, कुरान शरीफ के साथ बेहरमती की गई है, जानमाज के साथ बेहरमती करते हुए दिखाई गए हैं, जहां खास तौर पर नमाजियों के ऊपर कहर ढा रहे हैं। और इसी का दूसरा वीडियो भी सामने आया है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा ये दूसरे वीडियो में तमाम इसराइल के आतंकी सैनिक बाहर आते हुए दिखाई दिए हैं, जहां इन्होंने मस्जिद अल अक्सा के अंदर भी तोड़फोड़ की और साथ ही साथ बाहर भी तोड़फोड़ की है। और इस हमले में इन्होंने 3 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है और कईयों को घायल किया है, जहां ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं बरसाई गई हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर। और इस हरकत के बाद इसराइल ने और खासतौर पर नफ्ताली बेनेट ने बेंजम नेतन्याहू के कदम पर चलने की कोशिश की है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल जब नेतन्याहू की सरकार गिरने वाली थी तो उसने ऐसी ही हरकत को अंजाम दिया था, जहां इसराइल की आतंकी सैनिक मस्जिद अल अक्सा के अंदर दाखिल हुई थी, वो भी रमजान के पाक महीने में। तो इस बार भी नफ्ताली बेनेट ने उसी तस्वीर को दोहराने की कोशिश की है। और जब तस्वीर दोहराई गई है तो हमास ने खले शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और अपना सफल प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया है, खासतौर पर इसराइल के ऊपर। तो वहीं हमास के समर्थन में खुल करके ईरान इस बार भी सामने आ गया है, जहां ये ऐलान कर दिया गया है कि जिस भी तरीके की मदद फिलिस्तीन को चाहिए होगी उसमें ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अब इस आग को और तेज कर दिया है इसराइल के इस कदम ने। किस तरीके से तमाम देशों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है, हमास और ईरान का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इसराइली सैनिकों ने शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद में घुसकर नमाजियों को निशाना बनाया है। उन्होंने स्टेन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस हमले में कम से कम 20 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों द्वारा साझा किए गए वीडियो में इसराइली सुरक्षा बलों को मस्जिद में सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए रोजदारों पर हमला करते देखा जा सकता है। इस बीच इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर किया दावा किया है कि हमास और पीए के झंडे लेकर दर्जनों नकाबपोश लोग सुबह सुबह अल अक्सा मस्जिद में घुस गए। ये भी आरोप लगाया गया कि भीड़ ने पथराव किया और उन्हें मुगरीब गेट की ओर फेंक दिया। मंत्रालय ने कहा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस मैदान में दाखिल हुई है, जहां भीड़ को तितर बितर करने की बात कही जा रही है। मस्जिद के अंदर जूते पहन करके घुसते हुए इसराइल के आतंकी सैनिक दिखाई दिए हैं, जहां भीड़ को तितर बितर करने के चलते आपने 3 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिसकी जानकारी आप देना नहीं चाहते हैं। पर वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों पर
इजरायली सैनिकों के ताजा हमलों में कम से कम 3 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं और कई घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के अनेक क्षेत्रों में इजरायली सैनिकों के हमलों में तेजी आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को जेनिन के अलियामुन और कफरदान नामक क्षेत्रों पर इजरायली सैनिकों के हमलों में कम से कम 2 फिलिस्तीनी शहीद हुए और 6 अन्य घायल हो गए। बेते लहम के क्षेत्र सिलवाद में भी गुरुवार को इजरायली सैनिकों के हमले में 1 फिलिस्तीनी शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। दूसरी ओर फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने फिलिस्तीन जनता से अपील की है कि वे जायोनियों के मुकाबले के लिए उठ खड़े हों। हमास के उप प्रमुख साले अल अरूरी ने गुरुवार को सभी फिलिस्तीनी क्षेत्रों विशेषकर रामला और अलबीरा के युवाओं से अपील की कि जायोनी सैनिकों के हमलों का निशाना बनने वाले अपने भाइयों की मदद के लिए मैदान में आ जाएं। जब इस हरकत को अंजाम दिया गया इसराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, तब जाकर के हमास की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। इसी मध्य फिलिस्तीन प्रशासन के प्रधानमंत्री मोहम्मद अश्तिया ने गुरुवार को एक बयान जारी करके ऐलान किया कि हालात बहुत संवेदनशील और खतरनाक हो गए हैं और बहुत तेजी के साथ एक व्यापक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे फिलिस्तीन में हालत विस्फोटक हो गए हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी युवाओं के विरुद्ध सैन्य कार्रवाइयों के परिणामों की बाबत इसराइल को सचेत किया है। उधर हमास ने गाजा के समुद्री क्षेत्र में 4 नए मिसाइलों का प्रशिक्षण किया है। हमास ने इन प्रशिक्षणों को सफल बताया है। तो जहां हमास ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां रूस यूक्रेन की जंग के दौरान 2 और देश आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं फिलिस्तीन ने भी पूरे तरीके से अपने जो मिसाइल हैं उसके प्रशिक्षण करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, इसी के साथ इस्लामी गणतंत्र ईरान की विश्वविख्यात कुदस फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने कहा है कि हमने जायोनियों से कह दिया है कि हम सारे फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठनों की मदद करेंगे। जनरल कानी ने कहा है कि जिन लोगों ने जनरल सुलेमानी की हत्या की, उन्हें ये पता नहीं था कि इस शहीद के खून का हर कतरा भारी संख्या में लोगों के दिल जीतेगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कुदस आजाद हो जाएगा। जनरल इस्माइल कानी ने तेहरान में एक समारोह में भाषण देते हुए कहा कि हम संघर्ष के मैदान में हैं और ईरान साम्राज्यवाद और जायोनिज्म के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। कुदस फोर्स के कमांडर ने सन 1982 में लेबनान पर इसराइल के हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस जंग में जायोनी ने बेशुमार अपराध किए, लेकिन आज सैयद हसन नसरुल्ला के नेतृत्व में पूरे इलाके में प्रतिरोध का मोर्चा इस तरह छा गया है कि इसराइल ने अपने चारों तरफ 6 मीटर ऊंची दीवार खींच ली है कि कोई अंदर ना आ पाए। जनरल कानी ने फिलिस्तीन के ताजा हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी जवान इस सरजमी का खजाना है। उन्होंने पूरे इसराइल को तहोबाला करके रख दिया है। तो वहीं कुदस फोर्स के कमांडर ने यमन संकट के बारे में बात करते हुए कहा कि यमनी जवानों ने देश को भी संभाला और जंग के मोर्चे को भी हिफाजत की और आज वे अपनी जरूरत के अधिकार हथियार खुद बना रहे हैं। 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के मिसाइल और ड्रोन उन्होंने बना लिए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आना शुरू हो गई है और एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, खासतौर पर इसराइल की आतंकी सैनिकों के इस कदम के बाद। जहां हमास ने अपने मिसाइलों का प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया है, तो हमास का साथ देने के लिए ईरान ने भी खुल करके कह दिया है कि वो पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों की मदद करेगा। और इस हमले के पीछे सिर्फ यही कारण है कि जाते जाते अपनी सत्ता को बचाने के लिए फिलिस्तीनियों पर भी जुल्म करने से बाज नफ्ताली बेनेट नहीं आने वाले हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।